जहाँ आत्मज्ञान है वहाँ अद्भुत व्यक्तित्व तैयार होता है। ऐसा व्यक्तित्व जो अद्भुत हो, ऐसा व्यक्तित्व जो सदाचार से परिपूर्ण हो, ऐसा व्यक्तित्व जो किसी भी व्यक्ति के मन को झनकृत कर दे, ऐसा व्यक्तित्व जो किसी के भी मन को मोह ले। निश्चित ही ये जो भी चमत्कार दिख रहे हैं पूरे विश्व में या पूरे ब्रह्मांड में, वे सब ज्ञान के ही चमत्कार हैं। ज्ञान की प्राप्ति का सीधा सीधा अर्थ है सर्वस्व का प्राप्त हो जाना। आत्मज्ञान की जागृति के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता। आत्मज्ञान ही मूलभूत आधार है जीवन का, और यदि आधार उचित तरीके से तैयार हो गया तो व्यक्तित्व स्वयं ही निखरता चला जाएगा। एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसी जीवन शैली, एक ऐसी कार्यशैली जो नैतिकता से परिपूर्ण होगी, जो सत्मार्गों से परिपूर्ण होगी, जो सत्कर्मों से परिपूर्ण होगी, जो सद्गुणों से ओतप्रोत होगी और जो सकारात्मकताओं के सिद्धांतों से प्रेरित होकर आगे बढ़ती प्रतीत होगी। इस प्रकार आत्मज्ञान के जगते ही सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, सब कुछ निखर कर सामने आ जाता है। ऐसी स्थिति में कुछ भी छुपा नहीं रह जाता, सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, और ऐसी स्पष्टता ही हमारे जीवन को परिवर्तित करके रख देती है। सामान्यतः ऐसी स्पष्टता कम देखने को मिलती है, परंतु जहाँ पर आत्मज्ञान की उत्पत्ति होगी वहाँ पर स्पष्टता का रूप आसानी से समझा जा सकेगा, देखा और महसूस किया जा सकेगा। ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी घटना और बहुत बड़ी पूंजी है। इस घटना के घटते ही जीवन के अनेकों द्वंद्व सब नष्ट हो जाते हैं।